हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज टू का जो है बहुपद का सवाल जो है बहुपद का भाग पॉलिनोमियल ऑफ डिवीजन को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ये जो है आपको क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग बहुपद के भाग को समझेंगे। नॉर्मल भाग से थोड़ा सा अलग होता है। हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। ठीक, चलिए इसको अच्छे तरीके से पहले समझते हैं यहाँ पे कैसे ये भाग होगा। तो यहाँ पे हमारा जैसे भाग का हम साइन करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इस प्रकार करते हैं जैसे नॉर्मल भाग बनाते हैं उसमें भी, इस प्रकार यहाँ भी करेंगे। और जिसमें हमें भाग देना है उसको अंदर लिखेंगे, यानी 2x² + 3x + 1 में हमें भाग देना है तो इसको अंदर लिखेंगे 2x² + 3x + 1। और जिससे भाग देना है उसको हमें बाहर लिखना है, x + 2 को बाहर लिखेंगे x + 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें भाग लगाना स्टार्ट करना है। तो भाग लगाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हमें 2x² लाना है। पहले नंबर से हम लगाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे हमें 2x² लाना है। x में हम कितना से गुना करेंगे जो 2x² हो जाए। x तो हमारा यहाँ पे पहले से है, इस x में हम कितना से गुना करें जो 2x² हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से करते हैं इसमें, तो 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर हम 2 के साथ एक और x लगा देते हैं, तो यहाँ पे 2x हो गया। 2x में x से करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, क्योंकि डबल x यहाँ पे हो जा रहा है, यानी हमें 2x से गुना करना पड़ेगा। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो x में हमें 2x से गुना करना होगा, तब जाकर के ये 2x² होगा। तो यहाँ पे 2x² लिख देंगे। अब हमने जिससे लगाया है उसी नंबर से क्या करेंगे, इस वाले नंबर में गुना करेंगे, यानी 2x में हम 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, और x लगा हुआ तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन और 4x लिखेंगे। चलिए इतना होने के बाद, भाग करने के बाद हम क्या करते हैं, तो घटाते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ भी माइनस का साइन होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। ये जो है सेम है, ये ऊपर वाला प्लस में और ये नीचे वाला माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x है प्लस में और 4x माइनस में, यानी कम में से हमें ज्यादा घटाना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे ये प्लस का साइन नहीं रह गया, यहाँ पे ये वाला साइन अब इसके साथ जुड़ गया, ये माइनस में हो गया। तो 3x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में x बचेगा, माइनस में x। अगला नंबर प्लस 1 है तो प्लस 1 यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस एक्स प्लस 1 लाना है, यानी इसमें हम कितना से गुना करें तो माइनस एक्स प्लस 1 आ जाए। तो x में अगर हम x लाना है तो x में हम x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे माइनस हमें लाना है तो क्या करेंगे, माइनस हम 1 से गुना कर देंगे, माइनस 1 में x से करेंगे तो x होगा कि नहीं, माइनस x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस 1 में प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 और माइनस लगा हुआ है 2 × 1 = 2 और माइनस लगा हुआ है तो -2 कर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए, माइनस यहाँ पे पहले से दिया गया और माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हमेशा हमें क्या करना है, नीचे वाले साइन को, नीचे वाले जो माइनस प्लस है उसको देख के चलना है। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस में है और हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस। चलिए तो एक यहाँ पे एक्स प्लस में और एक एक्स माइनस में, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक जो है प्लस में और यहाँ पे 2 भी प्लस में हो गया, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर आगे है भी नहीं, तो ये जो हो जाएगा 3 यहाँ पे हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर बच जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और ये जो हमारा निकल के आया ये हमारा भागफल हो जाएगा, जिसे हम कोशेंट बोलते हैं, ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुपद का भाग। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से भाग करना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे जिस प्रकार नॉर्मल भाग का साइन देते हैं उसी प्रकार हमें करना है। इस प्रकार पहले साइन दे देंगे और जिसमें हमें भाग देना है उसको अंदर लिखेंगे, यानी 3x³ - 3x² + 5x - 3 में हमें कितना से भाग देना है, तो x² - 2 से भाग देना है, x² - 2 से भाग देना है। चलिए इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें xq लाना है, यानी x² में हम कितना से गुना करेंगे जो xq आ जाए। ठीक, सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए x² में हम कितना से गुना करेंगे जो xq आ जाए, यानी एक और x लगा देंगे यहाँ पे, हम एक और x से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमारा xq आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम
एक और एक्स से गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर हम इसी एक्स को क्या करेंगे माइनस टू के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर के सामने नहीं लिखेंगे, जहां पे एक्स वाला टर्म रहेगा अकेला उसके साथ लिखना है, तो यहाँ पे हमारा माइनस टू एक्स हो जाएगा। चलिए इसको हम घटाएंगे, तो घटाइए यहाँ पे प्लस का साइन है, घटा रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है और हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा हमारा प्लस। अब ये जो है माइनस टू एक्स नहीं बचा, ये प्लस टू एक्स हो गया। ठीक, तो ये आपस में ये कट जाएगा, एक एक्स क्यू प्लस में है और एक एक्स क्यू माइनस में है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, और ये जो है क्या हुआ प्लस दो एक्स प्लस पांच एक्स मिलकर हो जाएगा हमारा प्लस सेवन एक्स, और यहाँ पे माइनस थ्री है तो माइनस थ्री। चलिए अब यहाँ पे फिर हमें क्या करना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लाना है, यानी हमें एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करना होगा जो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाए। देखिए एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करें जो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाए, तो सिंपल सा है माइनस हम तीन से अगर एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो माइनस हम थ्री से गुना कर देंगे नॉर्मली, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तीन में माइनस दो से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तीन दुना छह। तो एक्स वाला टर्म यहाँ पे है, तो इसके सामने ही लिखेंगे, जो नंबर वाला सिर्फ अकेला टर्म रहेगा उसके सामने लिखना है, तो तीन दुना छह यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए फिर इतना करने के बाद घटाते हैं, माइनस यहाँ पे है माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा सेवन एक्स, और ये जो है माइनस कर रहे हैं और ये प्लस में है, माइनस थ्री और माइनस सिक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस नाइन। अब यहाँ पे देखिए कोई आगे नंबर बचा हुआ है नहीं, और यहाँ पे हमारा नंबर जो है समाप्त हो चुका है, तो यहीं पे जो है ये हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर बच जाएगा, और ये जो है हमारा यहाँ पे भागफल हो जाएगा, जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, इसलिए हमारा भागफल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो है बहुपद वाले भाग को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप ये बहुपद का भाग पॉलिनोमियल ऑफ डिवीजन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।